संगत जी अपने मेरे आप करो जी एक बात गंगा जी का ऑनलाइन हो गया 10 में ऑनलाइन की मांगा भी जैसा ऑनलाइन के 2 दिन से कराओ, फिर दिन देखा की करना अगर नहीं हुए ता कह रहे हैं। गुरु प्यारी साहब संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। आनंदीप कौर जी, मैं आप जी का ना मैसेज सुनिया नहीं पूरी तरह, मैं थोड़ा बिजी सीगा, एको ही सुनिया जेड़ा आप जी ने कहा भी वो पंजी अरदास और हुकमनामा सब लेंगे, बाकी तो मैं सुने नहीं। अगर आप जी दसे तो ठीक नहीं तो मैं फिर मैसेज सुन लूंगा बाद, अगर आप जी अलाउ करो तो, क्योंकि इस तरह ना कुछ इंपॉर्टेंट है मैं मिस कर रहा हूं। अच्छा, उन्होंने नाम की जो सेवा करने गया हुकमनामा साहब की, परमिंदर कौर। ठीक, हले तक जी परमिंदर, हाँ जी, 6 बजे के आसपास ज्वाइन करेंगे जी। उन्होंने परमिंदर कौर के नाम तो किया, कई बार एक्चुअली बच्चे क्लासेस लगाते हैं ना तो अपने नाम तो लगाई होती है उन्होंने, यस तो यस यस, चैट बॉक्स में पा देंगे। ठीक है जी सर। परमिंदर कौर जी, आप जी श्लोक मला अनुवाद, सॉरी परमिंदर कौर जी, आप जी रामकली की वार कर लो। तजिंदर कौर जी श्लोक मला अनुवाद, अमनदीप कौर जी शब्द आ रहे, एंड जोगिंदर कौर जी आप जी रहरास से कर लो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्लोक, गुरुदेव माता गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन, गुरुदेव बंधिप सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत्र निरोधरा, गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान वचन अपरंपरा, गुरुदेव कर्ता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्र करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत्र हर जप उधरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूढ़ पापी जित लग थरा, गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा, गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी। रामकली की वार, राय बलवंड तथा सतह डूम आखी, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, नाओ करता का दर करे, क्यों बोल होवे जो की वदै, दे गुना सत पहन पराव है, पारंगत दान पड़ी वदै, नानक राज चलाया सच कोट सतानी नीव दै, लैणे तरियों छत सिर कर सिफ्टी अमृत पीव दै, मत गुर आत्म देव दी खड़ग जोर पराकुई जी दै, गुर चेले रह रास की नानक सलामत थीव दै, सह टिका दितोस जीव दै, लैणे दी फेर आई है नानका दोही खट्टी है, जोत ओहा जुगत साए सह काया फेर पलटी है, चुलै सुछत निरंजनी मल तखत बैठा गुर हटी है, करे ज गुर फुरमाया सिल जोग अलूणी कटी है, लंगर चलै गुर शब्द हर तोट न आवी खट्टी है, खर्चे दित खसम दी आप खैदी खैर दबटी है,
ਹੋ ਵੈਸੇ ਪੁੱਤ ਕਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਖੁਲਸੋ ਛੱਟੀ ਹੈ ਤੁਧ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਸਚ ਜੇ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਿਉਂ ਏਦੂ ਬੋਲੋ ਹੱਟੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨ ਪਾਲਿਓ ਕਰ ਪੀਰੋ ਕੰਨ ਮੁਰੱਟੀ ਹੈ ਦਿਲ ਖੋਟੈ ਆਖੀ ਫਿਰਨ ਬਨ ਪਾਰ ਉਚਾਇਨ ਛੱਟੀ ਹੈ ਜਿਨ ਆਖੀ ਸੋਈ ਕਰੇ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਕਿਨੈ ਠੱਟੀ ਹੈ ਕੌਣ ਹਾਰੇ ਕਿਨ ਉਵਟੀ ਹੈ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਮੰਨਣਾ ਕੋ ਸਾਲ ਜਿਵਾਹੇ ਸਾਲੀ ਧਰਮ ਰਾਏ ਹੈ ਦੇਵਤਾ ਲੈ ਗੱਲਾ ਕਰੇ ਦਲਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖੇ ਸੱਚਾ ਕਰੇ ਸਾ ਬਾਤ ਹੋਵੇ ਦਰਹਾਲੀ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦੀ ਦੋਹੀ ਫਿਰੀ ਸਚ ਕਰਤੈ ਬੰਦ ਬਹਾਲੀ ਨਾਨਕ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਰ ਮਲ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਸਹਿ ਡਾਲੀ ਦਰ ਸੇਵੇ ਉਮਤ ਖੜੀ ਮਸਕ ਲੈ ਹੋਏ ਜੰਗਾਲੀ ਦਰ ਦਰ ਵੇਸ ਖਸਮ ਦੈ ਨਾਏ ਸੱਚੇ ਬਾਣੀ ਲਾਲੀ ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਛਾਓ ਪਤਰਾਲੀ ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਐ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਖਿਆਲੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਮਨ ਮੁਖ ਥੀਏ ਪਰਾਲੀ ਪਏ ਕਬੂਲ ਖਸਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਲ ਮਰਦੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਸੋ ਸੋਏ ਜਿਨ ਗੋਏ ਉਠਾਲੀ ਹੋਰਿਓ ਗੰਗ ਵਹਾਈ ਐ ਦੁਨੀਆਈ ਆਖੇ ਕਿ ਕਿਉ ਨ ਨਾਨਕ ਈਸਰ ਜਗਨਨਾਥ ਉਚਹਿਦੀ ਵੈਣ ਵਿਰ ਕਿਉ ਨ ਮਾਧਾਣਾ ਪਰਬਤ ਕਰ ਨੇਤ੍ਰ ਬਾਸਕ ਸਬਦ ਰਿੜ ਕਿਉ ਨ ਚੌਦਹ ਰਤਨ ਨਿਕਾਲੀਅਨ ਕਰ ਆਵਾ ਗੌਣ ਚਿਲ ਕਿਉ ਨ ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਵੇਖਾਲੀਅਨ ਜਿਣ ਐਵਡ ਪਿੜ ਠਿਣ ਕਿਉ ਨ ਲੈਣੇ ਤਰਿਓਨ ਛਤਰ ਸਿਰ ਅਸਮਾਨ ਕਿਆੜਾ ਛਿਕਿਉ ਨ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ ਮਾਹ ਆਪ ਆਪੈ ਸੇਤੀ ਮਿਕਿਓ ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਭੋਖ ਕੈ ਸਭ ਉਮਤ ਵੇਖੋ ਜੇ ਕਿਓ ਨ ਜਾਂ ਸੁਦੋਸਤਾਂ ਲਹਿਣਾ ਟਿਕਿਓ ਨ ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰ ਵਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਖਾ ਦੂਰ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਤੁਧ ਹੋਰ ਮੁਚ ਗਰੂਰ ਲਭ ਵਿਣਾ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਬੂਰ ਵਰੀਏ ਦਰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ ਜਿਤ ਸੁਹਾਥ ਨ ਲੱਭਈ ਤੂੰ ਉਹ ਠਰੂਰ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਨਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਵੰਜੈ ਚੂਰ ਨੇੜੇ ਦਿਸੈ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੁਧ ਸੁਝੈ ਦੂਰ ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰ ਵਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਖਾ ਦੂਰ ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਸੋਈ ਦੀ ਬਾਣ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜੇ ਵਿਹਾ ਪੋਟਾ ਪਰਵਾਣ ਜਿਨ ਬਾਸਕ ਨੇਤ੍ਰੈ ਕਤਿਆ ਕਰਨੇ ਹੀ ਤਾਣ ਜਿਨ ਸਮੁੰਦ ਵਿਰੋਲਿਆ ਕਰ ਮੇਰ ਮਧਾਣ ਚੌਦਹ ਰਤਨ ਨਿਕਾਲਿਅਨ ਕੀ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਘੋੜਾ ਕੀ ਤੋ ਸਹਿਜਦਾ ਜਤ ਕੀਓ ਪਲਾਣ ਤਣਕ ਚੜਾਇਓ ਸਤ ਦਾ ਜਸ ਹੰਦਾ ਬਾਣ ਕਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅੰਧਾਰ ਸਾ ਚੜਿਆ ਰਹਿ ਪਾਣ ਸਤੋ ਖੇਤ ਜਮਾਇਓ ਸਤੋ ਛਾਵਾਣ ਨੇਤਰ ਸੋਈ ਤੇਰੀ ਐ ਕਿਉ ਮੈਦਾ ਖਾਣ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਸੁਜਿਓ ਸੁਮਨ ਮੈਂ ਸਬਦ ਪਰਵਾਣ ਆਵਾ ਗੁਣ ਨਿਵਾਰਿਓ ਕਰ ਨਦਰ ਨੀਸਾਣ ਹੋ ਤਰਿਆ ਓ ਤਾਰ ਲੈ ਸੋ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਣ ਚੱਖੜ ਵਾਉ ਨਡੋ ਲਈ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾਣ ਜਾਣੈ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ ਜਾਣੀ ਹੂੰ ਜਾਣ ਕਿਆ ਸਾ ਲਾਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਤੂੰ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਣ ਦਾਨ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵ ਸੀ ਸੋ ਸੱਤੇ ਦਾਨ ਨਾਨਕ ਹੰਦਾ ਛਤਰ ਸਿਰ ਉਮਤ ਹੈਰਾਨ ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਸੋਈ ਦੀ ਬਾਣ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜੇ ਵਿਹਾ ਪੋਤਰਾ ਪਰਵਾਣ ਧਨ ਧਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੈ ਤਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਅਤੈ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ਅਟਲ ਅਥਾਉ ਅਤੋਲ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ ਜਿਨੇ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਪਾਉ ਕਰ ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਲਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਪਰਵਾਰਿਆ ਤਨਸ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ ਸਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸਕਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲਹਿਣਾ ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚੌਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਣ ਆਪੇ ਹੋਆ ਆਪੇ ਨੈ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੇ ਹੀ ਥੰਮ ਖਲੋਆ ਆਪੇ ਪੱਟੀ ਕਲਮ ਆਪ ਆਪ ਲਿਖਣ ਹਾਰਾ ਹੋਆ ਸਭ ਉਮਤ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ ਆਪੇ ਹੀ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਆ
तखत बैठा अर्जन गुरु सतगुरु का खिवे चंदोवा उगवण होते आथवण हो चौ चक्की की यन लोवा जिन्हें गुरु न सेव्यो मन मुखा पया मुआ दूनी चौनी करा मा तच्चे का सच्चा टोवा चारे जागे चौजगी पंचायण आपे होवा दूनी चौनी करा मा तच्चे का सच्चा टोवा चारे जागे चौजगी पंचायण आपे होवा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला नौवा। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन कहो नानक हर भज मना जय बिद जल को मीन बिखियन स्यो काहे रचियो निमख न होहे उदास कहो नानक पज हर मना परे न जम की फास तर ना पो यो ही गयो लियो जरा तन जीत कहो नानक पज हर मना औद जात है बीत बिद पयो सुजै नहीं काल पहुंचयो आन कहो नानक नर बावरे क्यों न पजै भगवान। धन दारा संपत सगल जिन अपनी कर मान इन में कछ संगी नहीं नानक साची जान पतित उधारन पै हरन हर अनाथ के नाथ कहो नानक ते जानिए सदा बसत तुम साथ धन धन जे तो कहो दियो तास्यो निहु नकीन कहो नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन धन धन संपै सुख दियो अर जय नी के धाम कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे नराम सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोए कहो नानक सुन रे मना तह सिमरत गत होए जय सिमरत गत पाई है तै पज रे तै मीत कहो नानक सुन रे मना औद कटत है नीत पांच तत् को तन रचियो जहानो चतुर सुजान जहते उपजियो नानका लीन ताहे मैं मान कट कट मैं हर जू बसै संतन कहो पुकार कहो नानक ते भज मना पौ निद उतरे पार सुख दुख जे पर सह नहीं लोभ मोह अभिमान कहो नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान उस्तत निंदिया नाहे जय कंचन लोह समान कहो नानक सुन रे मना मुकता है तै जान हरख सोग जा कै नहीं बैरी मीत समान कहो नानक सुन रे मना मुकता है तै जान पै काहू को देत नह नह पै मानत आन कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान जय बिखिया सगली तजी लियो पेख बैराग कहो नानक सुन रे मना तह नर माथे पाग जय माया ममता तजी सब ते पयो उदास कहो नानक सुन रे मना तह कट ब्रह्म निवास जय प्राणी हो मैं तजी करता राम पछान कहो नानक वो मुकत नर एह मन साची मान पै ना संदुर मत हरन कल मैं हर को नाम निस दिन जो नानक पजै सफल होए तह काम जेहे बा गुन गोबिंद पजो करन सुनहो हर नाम कहो नानक सुन रे मना पर है न जम कै ताम जो प्राणी ममता तजै लोभ मोह अहंकार कहो नानक आपन तरै औरन लेत उधार जू सुपना और पेखना ऐसे जग को जान इन मैं कछ साचो नहीं
नानक बिन भगवान निस दिन माया कारने प्राणी डोलत नीत कोटन मैं नानक कऊ नारायण जह चीत। जैसे जलते बुद्ध बुदा उपजै बिनसै नीत जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। प्राणी कछु न चेतई मद माया के अंध कहो नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की लेह कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानख देह। माया कारण तावही मूरख लोग अजान कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम तह जान हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। मन माया में फद रहयो विषयो गोविंद नाम कहो नानक बिन हर भजन जीवन कौने काम। प्राणी राम न चेतई मद माया के अंध कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद। सुख में बहु संगी पाए दुख में संग न कोए कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म भर मत फिरियो मिट्यो न जम को त्रास कहो नानक हर भज मना निर्भय पावे बास। जतन बहुत मैं कर रहयो मिट्यो न मन को मान दुर्मत स्यो नानक फदेयो राख ले हो भगवान। बाल जुआनी और बिरद फुन तीन अवस्था जान कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। करनो हो तो सो ना कियो परयो लोभ के फंद नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। मन माया में रम रहयो निकसत नाहिन मीत नानक मूरत चित्र ज्यो छाड़त नाहिन पीत। नर चाहत कछ और है की और है पई चितवत रहयो ठगोर नानक फासी गल परी। जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो न कोए कहो नानक सुन रे मना हर पावे सो होए। जगत पिखारी फिरत है सबको दाता राम कहो नानक मन सिमर तह पूरन होवे काम। झूठे मान कहा करे जग सुपनियो जो जान इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान। गर्व करत है देह को बिन से छिन में मीत जह प्राणी हर जस कहो नानक तह जग जीत। जह कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान तह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जह प्राणी के नाहे मन जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे तन। स्वामी को गृह ज्यो सदा स्वांत जत नहीं नित नानक ए बिद हर पजो एक मन होए एक चित। तीरथ बरत अर दान कर मन में तरे गुमान नानक नेफल जात तह ज्यू कुंचर स्नान। सिर कंप्यो पग डग मगे नैन जोत ते हीन कहो नानक ए बिद पई तो ना हर रसलीन। निज कर देखियो जगत मैं को काहू को नाहे नानक थिर हर भगत है तह राखो मन माहे। जग रचना सब झूठ है जान ले हो रे मीत कह नानक थिर ना रहे जू बालू की पीत। राम गयो रावण गयो जाको भो परवार
कहो नानक थिर कछ नहीं सुपने ज्यो संसार। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, यो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। जो उपजो सो बिनस है परो आज के काल, नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। दोहरा बल छुट क्यों बंधन पर है, कछु न होते उपाय। कहो नानक अब ओट हर गज ज्यो हो सहाय। बल हो आ बंधन छुटे सब किछ होत उपाय। नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। संग सखा सब तज गए कहु न निबेहो साथ। कहो नानक ए विपत में एक एक रघुनाथ। नाम रहयो साधु रहयो रहयो गुरु गोविंद। कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरमंत। राम नाम उर मैं गहयो जाके सम नहीं कोई। जय सिमरत संकट मिटे दरस तुहारो होए। राम नाम उर मैं गहयो जाके सम नहीं कोई। जय सिमरत संकट मिटे दरस तुहारो होए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी शब्द हजारे माज महला पंजवा चौप दे कर पहला। मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई बिलप करे चा त्रिकी न्याई। त्रिखा न उतरे शांत न आवे बिन दर्शन संत प्यारे। जियो हो कोली जियो कोल कुमाई गुरु दर्शन संत प्यारे। जियो रहाओ तेरा मुख सुहावा जियो सहज तुन बाणी। चिर होआ देखे सारंग पाणी तन सुदेश जहां तू वसिया। मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो हो कोली हो कोल कुमाई गुर सज्जन मीत मुरारे। जियो रहाओ एक घड़ी ना मिलते ता कल जुग होता। हुण कद मिली है प्रिय तुद भगवंता। मोहे रैन ना विहावे नींद ना आवे बिन देखे गुरदरबारे। जियो हो कोली जियो कोल कुमाई तिस सच्चे गुरदरबारे। जियो रहाओ पाग हुआ गुर संत मिलाया। प्रभ बिना सी कर मैं पाया। सेव करी पल चसा न बिछड़ा जन नानक दास तुम्हारे। जियो हो कोली जियो कोल कुमाई जन नानक दास तुम्हारे। जियो तनसी महला पहला कर पहला चौप दे एक ओंकार। सतनाम करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। जियो डरत है अपना कैसे करी पुकार। दुख विसारण सेविया सदा सदा दातार। साहेब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार रहाओ। अंदिन साहेब सेविय अंत छड़ाए सोए। सुन सुन मेरी कामणी पार उतारा होए। दयाल तेरे नाम तरा सद कुर्बान जाओ रहाओ। सरबंग साचा एक है दूजा नाही कोए। ताकि सेवा सो करे जा को नदर करे। तुद बाज प्यारे केव रहा सावड़े आई देहे। जित नाम तेरे लाग रहा दूजा नाही कोए। जिस आगे प्यारे जाए कहां रहो। सेवी साहेब अपना अवर न जाचो कोए। नानक ताका दास है बिंद बिंद चुक चुक होए। साहेब तेरे नाम बिटो बिंद बिंद चुक चुक होए रहो। तिलंग महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एह तन माया पाहिया प्यारे लीतड़ा लब रंगाए।
मेरा कंत न पावे चोलड़ा प्यारे क्यों तन से जय जाए। ओ कुर्बान जाओ मेहरवाना ओ कुर्बान जाओ ओ कुर्बान जाओ तिना के लैन जो तेरा नाऊ लैन जो तेरा नाऊ तिना के ओ सद कुर्बान जाओ रहाओ। काया रंगण जेथिये प्यारे पाइये नाओ मजीठ रंगण वाला जे रंगे साहिब ऐसा रंग ना डीठ। जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना के पास तोड़ तिना की जे मिले जी को नानक की अरदास। आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानक कामण कंत पावे आपे ही रावे। तिलंग महला पहला या नड़िए मानड़ा काए करे आपनड़े कर हर रंगो की ना माने। शोनेड़े तन कमलिए बाहर क्या टूडे पैकियां दे सलाइया नैनी पाव का कर सिंगारो। तासो हगण जानिए लागी जा शो तरे प्यारो। यानी बाली क्या करे जा तन कंत ना पावे करण पलाहा करे बहु तेरे सातन महल ना पावे। बिन कर्मा किछ पाई है नाही जे बहु तेरा तावे। लाभ लोभ अहंकार की माती माया महे समाणी इनी बाती शोह पाई है नाही पई कामण यानी। जाए पूछो सो हागणी वाहे किनी बाती शोह पाई है जो किछ करे सो पला कर मानिए हिकमत हुकम चुकाई है। जाके प्रेम पदार्थ पाइये तो चरणी चित लाइये। सो कहे सो की जय तन मनो दीजे ऐसा परमल लाइये। एव कहे सो हागणी पैणे इनी बाती शो पाइये। आप गवाइये ता शो पाइये और कैसी चतुराई। शो नदर कर देखे सो दिन लेखे कामण नो निद पाई। अपने कंत प्यारी सा सुहागण नानक सा सबराई। ऐसे रंग राती सहज की माती एनिस पाए समाणी। सुंदर साए स्वरूप बिचखण कही है सा सियाणी। सुही महला पहला कौन तरा जी कवन तुला तेरा कवन सराफ बुलावा। कौन गुरु कै पै दिखिया लेवा कै पह मुल करावा। मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना तू जल थल मैयल भरपूर लीना तू आपे सर्ब समाणा रहो। मन तरा जी चित तुला तेरी सेव सराफ कमावा। कट ही पीतर सो शोह तोली इन बिद चित रहावा। आपे कंडा तोल तरा जी आपे तोलन हारा। आपे देखे आपे बूझे आपे है वन जारा। अंधला नीच जात परदेसी खिनावे तिल जावे ताकि संगत नानक रहंदा क्यों कर मूड़ा पावे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। राग बिलावल महला पहला चौप दे कर पहला। तू सुल्तान कहा हो मिया तेरी कवन वडाई। जो तू देहे सु कहा स्वामी मैं मूरख कहन न जाई। तेरे गुण गावा देह बुझाई जैसे सच में रहो रजाई रहो। जो किच होआ सब किच तुझते तेरी सब असनाई। तेरा अंत न जाना मेरे साहेब मैं अंधले क्या चतुराई। क्या हो कथी कथे कथ देखा मैं अकथ ना कथ ना जाई। जो तुद पावे सोई आखा तिल तेरी वडे आई। एते कुकर हो बेगाना पोका इस तन ताई। भगत हीन नानक जे होएगा ता खसमे ना हो न जाई। बिलावल महला पहला मन मंदर तन वेस कलंदर कट ही तीरथ नावा। एक शब्द मेरे प्राण बसत है बाहुड़ जन्म ना आवा।
मन बेदया दया सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई। रहो अगम अगोचर अलख अपारा, चिंता करो हमारी। जल थल मैयल भरपुर लीना, कट कट जोत तुम्हारी। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदिर छावा तेरे। तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे। जी जंत सब शरण तुम्हारी, सर्व चिंत तुद पासे। जो तुद पावे सोई चंगा, एक नानक की अरदासे। जी जंत सब शरण तुम्हारी, सर्व चिंत तुद पासे। जो तुद पावे सोई चंगा, एक नानक की अरदासे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। हर नाखस दुष्ट हर मारिया, पहलाद तराया। अहंकारियां निंदका पिठ दे, नाम देव मुख लाया। जन नानक ऐसा हर सेविया, अंत ले छड़ाया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग पिया, जा सुख ताम न होई। तू करता करना मैं नाही, जाहो करी न होई। बलिहारी कुदरत वस्या, तेरा अंत न जाई लखिया। रहाओ जात मह जोत, जोत मह जाता, अकल कला परपूर रहा। तू सच्चा साहिब सिफत सवाल्यो, जिन की ती सो पार पिया। कहो नानक करते किया बाता, जो किछ करना सो कर रहा। सोदर राग आसा महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सोदर तेरा केहा सो कर केहा, जित बह सर्ब समाले। वाजे तेरे नाद अनेक असंखा, केते तेरे वावन हारे। केते तेरे राग परी स्यो कहिए, केते तेरे गावन हारे। गावन तुदनो पवन पाणी बह संतर, गावे राजा धर्म द्वारे। गावन तुदनो चित गुपत लिख जानन, लिख लिख धर्म बिचारे। गावन तुदनो ईसर ब्रह्मा देवी, सोहन तेरे सदा सवारे। गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे, देवत्यां दर नाले। गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध बिचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे। गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले। गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन, सुर्ग मच्छ प्याले। गावन तुदनो रतन उपाय तेरे, अड़सठ तीरथ नाले। गावन तुदनो जोध महाबल सूरा, गावन तुदनो खाणी चारे। गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा, कर कर रखे तेरे तारे। सेई तुदनो गावन जो तुद पावन, रते तेरे भगत रसाले। होर केते तुदनो गावन, से मैं चितने आमन, नानक किया बीचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई। है पी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पाती कर, कर जिनसी माया जिन उपाई। कर कर देखै कीता अपना, ज्यो तिस दी वडियाई। जो तिस पावै सोई करसी, फिर हुक्म न करना जाई। सो पातशाह साहपत साहिब, नानक रहण रजाई। आसा महला पहला, सुन वड्डा आखै सब कोए। केवड वड्डा डीठा होए, कीमत पाए न केहा जाए। कहने वाले तेरे रहे समाए, वड्डे मेरे साहिबा। गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा केता। केवड चीरा रहाओ, सब सुरती मिल सुरत कमाई। सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई। कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगी आईया, सिद्धा पुरखा किया वड्याईया। तुद विन सिधी किने ना पाईया, कर्म मिले नाही ठाक रहाईया।
आखण वाला क्या विचारा, सिफती परे तेरे पंडारा, जिस तू दह तिसे क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाओ, आखण औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागे भूख, उत भूख है खाए चले है दुख, सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचे नाए रहाओ, साचे नाम की तिल वडियाई, आख तकै की मत नहीं पाई, जे सब मिलके आखण पाहे, वड्डा न होवै घाट न जाए, ना ओ मरे न होवै सोग, देदा रहे न चूकै भोग, गुण एहो होर नाही कोए, ना को होवा ना को होए, जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात, हजम विसारे ते कम जात, नानक नावे बाज सनात, राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुर पास, हम कीरे किरम सतगुर सरनाई, कर दया नाम प्रगास, मेरे मीत गुरदेव, मोको राम नाम प्रगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ, हर जन के वड पाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता से, मिल संगत गुण प्रगास, जिन हर 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 रस नाम ना पाया, ते पागहीन जम पास, जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, तन तन सत संगत, जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास, राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित्व है उद्दम, जा आहर हर जियो परया, चैल पत्थर में जंत उपाए, ताका रिजक आगे कर तरया, मेरे माधव जी सतसंग मिले सो तरया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सुके काष्ट हरिया रहाओ, जनन पिता लोक सुत बनिता, कोई न किसकी तरया, सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर, ताहे मन पाओ करया, उड़े उड़ आवे सह कोसा, तिस पाछे बचरे छरया, तिन कमण खलावे कमण चुगावे, मन में सिमरन करया, सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरया, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत न पारा वरया, राग आसा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा, सब त्यावे तुम जी, हर सच्चे सिरजनहारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्यावो संतो जी, सब दुख विसारण हारा, हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा, एक दाते एक पे खारी जी, सब तेरे चोज विडाणा, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुद बिन अवर न जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आंख वखाणा, जो सेवे है जो सेवे तुद जी, जन नानक तिन कुर्बाणा, हर त्याव है तुद जी, से जन जुग मह सुखवासी, से मुकत पय जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी, जिन हर निरपौ त्याया जी, तिन का पौ सब गवासी, जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत पंडार जी, परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनिक अनेक अनंता, तेरी अनेक करह हर पूजा जी, तप ताप है जप है बेअंता, तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी, कर किरिया खटु कर्म करंता, से भगत पले जन नानक जी, जो पावे है मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर न कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू नहीं चल करता सोई,
तुद आपे पावे सोई वरते जी, तू आपे करहे सोई, तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानोई, असम हल्ला चौथा, तू करता सच्यार मैं डसाई, जो तो पावे सोई थी सी, जो तू दे सोई हों पाई रहाओ, सब तेरी तू सब नीत आया, जिसनो कृपा करह तिन नाम रतन पाया, गुरमखला धा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुद बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाणे, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए, तू कर कर वेखह जानह सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सर्वरड़े पहले निवासा, पानी पावक तिन है किया, पंक जुमोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबियले, मन एक न चेत समूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हो जति सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा, पई परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम, सरंजाम लाग पव जल तरन के, जन्म वृथा जात रंग माया कह रहाओ, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जान्या हर राया, कहो नानक हम नीच करमा, सरन परे की राखो शर्मा, कहो नानक हम नीच करमा, सरन परे की राखो शर्मा, एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, पातशाही दसवीं चौपाई, गुण राक्षस का काटा सीसा, श्री असिकेत जगत के ईसा, पूपन भ्रष्ट गगन ते पई, सब हिन आन बधाई दई, तन्न तन्न लोगन के राजा, दुष्टन दहा गरीब निवाजा, अखल पवन के सिरजन हारे, दास जान मोहिले हो उबारे, कवियो बाच बेंती चौपई, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा, हमरे दुष्ट सबे तुम कावहो, आप हाथ दे मुहे बचावहो, सुखी बसे मोरो परिवारा, सेवक सिख सबे कर तारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संगरिए, पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सतर हमारे मारिय है, आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरन काल का त्रास निवरिय, पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करियो रक्षा, राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जछन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझेओ हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने, जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा तत् तब देह अपारा, जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तो मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे,
आप आपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद और आलम निरंकार निर्विकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत पेदा जाको पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ पेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पेव आप आपनी बुध है जेती बरनत पिन पिन तोहते ती तुमरा लखन जाए पसारा कह बिद सजा प्रथम संसारा एक कह रूप अनूप सरूपा रंग पयो राग कही पूपा अंडज जेरज से तज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा वह बैठा कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आज जुगाद स्वरूप स्वयंभव अवरक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रण गाता जे असि तुझ तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार ते आए है ताके काल निकट न है रक्षा होए तहे सब काला दुष्ट अरिष्ट डरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो ताके ताप तनक मैं हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छाछ वै सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो उबारी सर्व ठौर मा हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो उबारी सर्व ठौर मो हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन शुभ राता केल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छय करता श्री अस्तु जब पए दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावे सोई दुख न तिसे ब्यापत कोई अड़िल सुने गुंग जो याहे सुरसना पावई सुने मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ निकट ना तिन नर के रह खोजो या की एक बार चौपई को कह चौपई संबत सत्रह सहस पणिजै अर्ध सहस फुन तीन कहिजै पादरव सुदी अष्टमी रविवारा तीर सुद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्रो पखियाने प्रिया चरित्र मंत्री पूप संबादे 405 चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त अपंजु दोहरा दास जानकर दास पर कीजे कृपा अपार आप हाथ दे राख मोहे मन कर्म बचन विचार चौपाई मैं नगन ऐसे प्रीतम मनाऊ किसन बिसन कब हूं न त्याऊ कान सुने पहचान न तिनसो लिव लागी मोरी पग इनसो महाकाल रखवार हमारो महालोह में किंकर थारो अपना जान करो रखवार बाहे गहे की लाज विचार अपना जान मुझे प्रत परिय चुन चुन सत्र हमारे मरिय देख तेग जग में दो चल राख आप मोहे और न दल तुम मम कहो सदा प्रतिपारा तुम साहिब में दास तिहारा जान अपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा दास जान कर कृपा करो मुहे हार परा मैं आन द्वार तोहे अपना जान करो प्रतिपारा तुम साहिब में किंकर थारा दास जान दे हाथ उबारो हमरे सब बैरियन संगारो प्रथम तरो भगवत को त्याना बहर करो कविता विद नाना कृष्ण जथामत चरित्र उचारो चूक होए कब ले हो सुधारो कभी ओ बाच दोहरा जो निज प्रभु मो सो कहा सो कही हो जग माहे जो तह प्रभु को त्याए है अंत स्वर्ग को जाहे दोहरा हर हर जन दुई एक है बिब विचार किछ नाहे
जल से उपजत रंग ज्यो जल ही बिखे समाहे दोहरा जब आयस प्रभ को पयो जन्म तरा जग आए अब मैं कथा संखेप ते सब हूँ कहत सुनाए सब बाच दोहरा ठाड पयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याए पंत चले तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठते आए हैं संत अंत लहेंगे मुकत फल पा लहेंगे भगवंत दोहरा काल पुरख की देह मोह कोटक बिसन महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते रवसस क्रोर जलेस दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाखत नेत स्वर्ग बास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपाई जो एह कथा सुने और गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिसन भगत की ए फल होई आद ब्याद छुए सके न कोई सम्मत सत्रह सहस पचावन हाड़ वदी प्रथम सुख दावन वह प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा फूल परी लहु लेहु सुधारा दोहरा नेत्र तुंग के चरण तर सतध्रुव तीर तरंग श्री भगवत पूरण कियो रघुवर कथा प्रसंग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विबाद ग्रंथ सकल पूरण कियो भगवत कृपा प्रसाद स्वैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब वह भेद कह हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गहो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार सगल द्वार को छाड़ के गहो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वादाइया राग रतन पर वार परिया सबद गावण आइया सब दोता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कारज सब सवारना सब नागला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा करता तेरा सब किछ है जिसते है सो पावे सदा सिफ्त सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आय वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु विट हो जिस दिया ए वडियाइया कह नानक सुन हो संतो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द कर सभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कह लागे कह नानक तह सुख होआ तित कर अनहत वाजे अनद सुनो वट पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रेहा पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहत तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रेहा पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहत तूरे मुंडावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पयो सत संतोख दी चारो
अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब अधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उदारो एह वास्त जी नह जाई नित नित रख उदारो तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग की तोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पियोई तरस पिया मह रामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरिया पौड़ी तिथे तू समरथ जिथे कोई नाहे ओथे तेरी रख अग्नि उदर माहे सुन के जम के दूत नाए तेरे छड़ जाहे पौजल बिखम असगाहो गुर शब्दी पार पाहे जिनको लगी प्यास अमृत से ही खाहे कल में एहो पुन गुण गोविंद गाहे सबसे नो कृपाल संभाले साहे साहे बिरथा कोई न जाए जय आवे तुद आहे श्लोक महला पंजवा अंतर गुर आराधना जिवहा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना शरणी सुनना गुर नाओ सतगुर से तीरत्या दरगह पाइय ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनो एह वत दे जग मह उत्तम काढ़िए विरले के ई के महला पंजवा रखे रखन हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन होआ आप दयाल मनो ना विसारियन साध जना के संग पवजल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बीदारियन जिस साहिब की टेक नानक मन्ने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए तिस साहिब की टेक नानक मन्ने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। श्लोक गुरदेव माता गुरदेव पिता गुरदेव स्वामी परमेश्वरा गुरदेव सखा अज्ञान भंजन गुरदेव बंधक सहोदरा गुरदेव दाता हर नाम उपदेश गुरदेव मंत निरोधरा गुरदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरदेव पारस परस्परा गुरदेव तीरथ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरदेव करता सब पाप हरता गुरदेव पतित पवित करा गुरदेव आद जुगाद जुग जुग गुरदेव मंत हर जप उधरा गुरदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरदेव नानक हर नम शिकरा गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरदेव नानक हर नम शिकरा। एह श्लोक आद अते अंत पढ़ना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। मंदर एक मिनट जी अरदास जी सेवा जी परमिंदर कौर जी ने कर दी। हाँ जी ठीक है वीर जी। परमिंदर जी आप ही कोल माइक है आप जी मोबाइल से थले लेफ्ट से एक बटन बनया होगा माइक का ओनु क्लिक करोगे आप जी बोल सकते हो। परमिंदर कौर जी हाँ जी आप जी अरदास करोगे जी परमिंदर कौर जी। हाँ जी हुक्मनामे साहिब दी सेवा है कि अरदास दोनों करनी है लो और फिर मठा भी ले लेना। हाँ जी अरदास भी कर लो फिर हुक्मनामे भी ले लेना जी। ठीक है वाहेगुरु जी ठीक है। अरदास जी आप जी जड़ी बाणिया पढ़ी गई हैं उन्हें दसता मैं राम कले की वार श्लोक महला नौवां शब्द जारे और रास है शब्द जारे रास है। ठीक है जी जिन्हें आप जी पुनप्रीत कौर दी और देहर उदा दी अरदास पुनप्रीत कौर किदी मनप्रीत कौर पुनप्रीत कौर देहर उदा तो मैं नाम नहीं समझ आ रहा। पी फॉर पंजाब यू फॉर अम्ब्रेला एन फॉर नेपाल पुन पुनप्रीत कौर पुनप्रीत कौर। ठीक है ठीक है जी। अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं
प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ली दिहाए, फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास से हुए सहाए। गुरु अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण तिहाइए जिस डिठे सब दुख जाए। गुरु तेग बहादुर सिमरिये कर नौनिदयावे धाए, सब थायो न जी सहाए। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह, सब थाई होना जी सहाए। दस पातशाहियां दी आत्मक जो तन 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 जुगो जुग अटल, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सब थाई होना जी सहाए। आप जी दी पवित्र बाणी ते पाठ दीदार वल ध्यान तर खालसा जी साहिब बोलना जी वाहे गुरु। गुरु साहिब जी के पांच प्यारे, चार साहिबजादे चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्हां ने आप जी का पावन पवित्र नाम जपया, वंड के छकिया देख जलाही देख वाही देख किंडित कीता, तिना प्यारिया सच्चियारिया दी पवित्र कमाई वल ध्यान तर खालसा जी साहिब बोलना जी वाहे गुरु। जिन्हां सिंघा सिंघड़िया ने धर्म हेठ सीस दिते, बन बंद कटवाए खोपड़िया नुहाइया चरखड़िया ते चढ़े, तन आरिया नाल चिरियाए गए गुरुद्वारे की सेवा लई कुर्बानियां दित्तियां, धर्म नहीं हारिया सिखी के स्वासा संघ निभाई, तिना दी पवित्र कमाई वल ध्यान तर खालसा जी साहिब बोलना जी वाहे गुरु। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारे वल ध्यान तर खालसा जी साहिब बोलना जी वाहे गुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास बेनती है जी, सरबत खालसा जी को वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु, चित आवै चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रिहाए, देख देख फते बिरद की पैज, पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय, खालसा जी के बोल बाले बोलना जी वाहे गुरु। सिखां नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान, चौकियां झंडे बुंगे जुगव जुग अटल धर्म का जयकार बोलना जी वाहे गुरु। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा वाहे गुरु, दाता जी अपने पंथ दे सदा सहायता तार जी। गुरुद्वारा श्री ननकाणा साहिब जी, गुरुद्वारा पंजा साहिब जी अते होर गुरुद्वारे ते गुरधामा दे जिनाह तो पंथ नूं भी छोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान, प्यारे खालसा पंथ जी नूं बख्शो जी निमाणिया दे माण वाहे गुरु। नितान्या दे तान न्योटियां दी ओट न्यासरियां दे आसरे, तन 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 जुगो जुग अटल, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह आप जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर आप जी ने अपने बच्चा पासो सिर ते मेहर प्रया हथ रख के शब्द हजारे रामकली की वार दी पाठ दी सेवा, सलोक मल्ले नोवे दी सेवा, रराज साहिब जी दे पाठ दी सेवा आप जी ने आप अपने बच्चा पासो सिर ते मेहर प्रया हथ रख के सेवा ली पातशाह जी। आप जी दी पावन पवित्र सेवा करद्या बेअंत प्रकार दियां फुलां हुण गया, फुलां बख्श देना मेरे दाता जी अगो लई शुद्ध अते स्पष्ट बाणी पढ़न दी मत बख्शदा, नाम दी वार लगा के रखना, नाम दा रंग साध दा संग बख्श के निवाजना, महापुरखां दा संग बख्शिश करना, अपना प्यार बख्शिश करना, अमृत वेले दे नित दे जागने बख्शना पातशाह जीओ। आप जी दी बच्ची पुनप्रीत कौर दी देह रोकता दी अरदास जे पातशाह अपना मेहर भरिया हथ रख के देह रोकता दा दान बख्शना, अपना प्यार बख्शिश करना, हुण इस वेले आप कृपा करो अपना पावन इलाही हुक्मनामा बख्श के संगतां नूं निहालो निहाल करो, आग्या बख्शो जी अखर वात घट भुल चुक माफ करनी, सरबत ते कारज रास करने से ही प्यारे मेल जिना मिले, तेरा नाम जित आवै गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। सुकहो टल गुर सेवे अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाए, होवे सिफत कसम दी नूर अरसो गुर सो चटिए, तद डटे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए,
सज्जन सच्चा पातशाह सिर सहा दे साहो जिस पास बैठे आसो ही है सब नदावे साहो। नासरी महला पंजवा तन 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 पंजवे गुरु नानक तन गुरु अर्जुन देव साहिब जी जिसका तन मन तन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा तो बिदनी की खतानी जिसका तन मन तन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा तो बिदनी की खतानी जी की एक ही पैमानी अवर जतन कर रहे बो तेरे तिन तिन नहीं कीमत जानी रहो अमृत नाम निर्मोलक हीरा गुर दीनो मंतानी डिगे ना डोले दृढ़ कर रहे हो पूरन होए त्रिपतानी ओए जो बीच हम तुम कछ होते तिन की बात बिलानी अलंकार मिल थैली होई है ताके कनिक वखान ताते कनिक वखानी प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी कह नानक नेह चल कर बाध्यो गुर की ओ बंधानी प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी कह नानक नेह चल कर बाध्यो गुर की ओ बंधानी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साहब संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सब का पठानकोट तो आ गया जी बहुत ही धन्यवाद बहुत ही शुक्राना जी गुरबाणी सुनाउण दा भैन जी उन्हां दा बहुत धन्यवाद बहुत ही सच्चे ढंडे सच्चे ढंग नाल भैन जी ने गुरु साहब दा हुकम सुनाया जी पठानकोट तो आ गया जी संगत दा जी संगत जी अज अज भी के इतिहास साखियां कथा विचार का दिन है ते रिक्वेस्ट है संगत जिन्होंने कथा इतिहास विचार कोई साखियां कोई केस स्टडीज भी सारे शेयर कर सकते हो और रिक्वेस्ट करया भी करो जी पता नहीं किन्नू की पॉइंट मिल जाए किस साखी तो और किधर उधर जीवन शिफ्ट हो जाए ते जिन्ना संगता ने सेवा करनी है जी प्लीज रेज हैंड कर दो फिर असि माइक देने जी। सब तो पहले रविंद्रजीत कौर जी लिख लो तेजिंदर कौर जी परमिंदर जी आप जी ने कुछ शेयरिंग करनी दसना कुछ शब्द दी सेवा ले सकनी कीर्तन दी शब्द दी हां जी हां जी करो जी जरूर एक सिर्फ एक मिनट रुको सर हां आप जी तैयारी कर तेजिंदर कौर जी सब तो पहले परमिंदर कौर जी शब्द पढ़नगे रविंद्रजीत कौर जी फिर मनप्रीत कौर जी फिर सरनजीत कौर जी हां जी प्लीज कंटिन्यू परमिंदर कौर जी हां जी वीर जी एक मिनट बस वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
जी की बिरथा होए सुगुर पे अरदास कर जी की बिरथा होए सुगुर पे अरदास कर अरदास कर अरदास कर अरदास कर अरदास कर जी की बिरथा होए सुगुर पे अरदास कर छोड़ सियानप सगल मन तन अरप तर छोड़ सियानप सगल मन तन अरप तर अरदास कर अरदास कर अरदास कर अरदास कर जी की बिरथा होए गुर सो गुर पे अरदास कर पूजो गुर के पैर दुर मत जाए जर पूजो गुर के पैर दुर मत जाए जर साध जना के संग पव जल बिखम तर साध जना के संग पव जल बिखम तर सेवो सत गुर देव वाहिगुरु जी अगे ना मरो डर खिन में करे निहाल ऊने सबर पर अरदास कर अरदास कर अरदास कर अरदास कर जी की बिरथा होए सुगुर पे अरदास कर मन को होए संतोख त्याये सदा हर मन को होए संतोख त्याये सदा हर सो लगा सतगुर सेव जाको करम तुर अरदास कर अरदास कर अरदास कर अरदास कर जी की बिरथा होए सुगुर पे अरदास कर जी की बिरथा होए सुगुर पे अरदास कर वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वीर जी जी 5 मिनट और किसी ने सेवा दे दो मैं थोड़ा बाहर हूं। हेलो वीर जी 5 मिनट किसी ने और सेवा दे दो मैं बाहर हूं थोड़ा जी। जी कर जी कर लो पहले मनप्रीत कर जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी असी स्टडी कर रहे हैं बुक संत बाबा सेवा सिंह जी द्वारा लिखित बुक शब्द गुर पीरा। इस विच आज का जो चैप्टर है इस तो पहला असी चैप्टर पढ़िया सी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रति पछमी विद्वाना दी राय। उस विच उन्होंने विद्वाना ने जो वेस्टर्न जो विद्वान हुए हन जो इतिहासकार हुए हन उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी नू आधुनिक युग दा ग्रंथ और सिख धर्म नू आधुनिक युग दा धर्म दस्या।
ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਵਰ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਾਸਟ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਯਥਾਰਥ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਉਖੇੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਖਲ ਲਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪਾਣੀ ਰਿੜਕਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਮੋਲਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨ ਮਜ਼ੂਰੀ ਭਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਭਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵਣਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰ। ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਏ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਯਾਰ ਜੁਆਰੀਏ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੰਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਧਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਚੋਰ ਜਾਰ ਜੁਆਰ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਣਹੋਂਦਾ ਭਾਰ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਧਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਦੰਡ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਦੰਡ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪਰ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਲਾ ਇਲਾਜ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਖੱਪਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਖਦ ਸੱਭੇ ਕੀਤੀਅਨ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਦਾਰੂ ਨਾਹੇ, ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਨਾਨਕਾ ਪਚ ਪਚ ਜੂਨੀ ਪਾਹੇ। ਆਮ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਮ ਜੋ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨੋ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਹਨ, ਮੂਰਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਮੂਰਖ ਹਨ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਡਰਾਉਣੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੈ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਕੈਸਾ ਹੈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੇਗਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਗਾਰ ਕੇਵਲ ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਕੈਸੀ ਹੈ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਦਸ਼ਾ, ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰ ਬਹੁ ਭਾਰ ਉਠਾਵੈ, ਬਿਨ ਮਜ਼ੂਰੀ ਭਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵਣਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਜਨ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਿਨ ਮਜ਼ੂਰੀ ਭਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵਣਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਜਨ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
निंदिया करन वाला अपनी जीभ नाल साडी निंदिया करके साडे अंतशकरण नू पापां दी गंदगी तो साफ कर सानू पवित्र कर दिंदा है। माता पिता बाहरली गंदगी साफ करदे हन, निंदक अंदर दी मैल धोंदा है। इसलिए निंदक साडा मां बाप है। निंदिया करन वाला साडी निंदिया करके साडे अंदर नू साफ कर दिंदा है। साफ शुद्ध हिरदे विच नाम दा निवास हो जांदा है। निंदक साडे अंतशकरण रूपी कपड़े नू निंदिया दे साबण नाल धो के साफ कर दिंदा है। निंदक साडा मित्र है, क्यों? जिवें मित्र हर वेले अपने मित्र दा ध्यान रखदा है, अपने मित्र नू कदे हिरदे विचों भुलाउंदा नहीं है, इसे तरह निंदक भी सानू नहीं भुलाउंदा। जदों समा बने अपनी याद शक्ति विच सानू प्रगट करके निंदिया करनी आरंभ कर दिंदा है। साडा असली निंदकता ओ है जो साडे निंदक नू साडी निंदिया करन तो हटाउंदा है। फिर तो असली निंदक ओ है जो साडे निंदक नू साडी निंदिया करन तो हटाउंदा है। निंदक हमेशा साडियां ऊणताइयां नू लभदा है। ऊणताइयां दस के ऊणताइयां तो पाव साडियां कमियां नू दस के सानू हमेशा चंगे बनन लई सावधान करदा रहिंदा है। साडी निंदिया सानू प्यारी लगदी है। क्यों प्यारी लगदी है? क्योंकि निंदिया होण नाल साडा पार उतारा हो जांदा है। पर याद रखो, निंदिया करन वाला संसार समुंदर विच डुब जांदा है। जिस दी निंदिया हुंदी है उसका निस्तारा हो जांदा है। बाबा जी दा, भगत कबीर जी दा कैसा प्यारा फुरमान है, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी रहाओ। निंदा होए ता बैकुंठ जाइए, नाम पदारथ मने बसाइए, हृदय शुद्ध जो निंदा होए, हमरे कपड़े निंदक तोए, निंदा करे सो हमरा अमीर, निंदक माहे हमारा चीत, निंदक सो जो निंदा हो रै, हमरा जीवन निंदक लो रै, निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करे उधार, जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। सतगुरु जी साडा निस्तारा करना चाहते हैं। सतगुरु जी सानू बिन मजूरी भार पहुंचावणिया दी बेगार तो छुड़ाउणा चाहते हैं। सतगुरु जी सानू होर नरकां दे दुखां तो निजात दवाउणी चाहते हैं। सतगुरु जी साडा दरगाह विच मुख उजला करना लोचदे हन। सतगुरु जी सानू अणहोंदा भार निंदक सिर धरा तो मुक्त कराउणा चाहते हैं। तद ही साहिब बारंबार सानू इकट्ठे होके बाणी पढ़न ते नाम जपण दी ताकीद करदे हन, तां जो आपां जिथे दूसरियां दी मैल लाउण तो बच जाइए, उत्थे साडे अंतशकरण ते जन्मां जन्मांतरां दे संस्कारां दी जो मैल लगी है, उस लगी हुई मैल नू गुरबाणी अते नाम जप के धो के हिरदे नू पवित्र करके मालक प्रभु दा वसल प्राप्त कर सकीए। साहिब श्री गुरु अमरदास जी दा साडे अंतशकरण प्रति फतवा है कि जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ सिया हो, खनली धोती उजली ना हो वई, जे सौ धोवण पाहो। वाहिगुरु जी, संगत जी, अज दा इस चैप्टर कि गुरबाणी पढ़न अते नाम जपण दा करम क्यों करना है, इस विच सब तो पहला संत बाबा सेवा सिंह जी ने गुरबाणी तो सेध लैंदिया निंदा करन तो बचन दी सानू सेध दिती है। और इस टॉपिक नू दो तीन पेजेस दे विच अगर कंक्लूड कीता जाए ता ए जो लास्ट पैराग्राफ असी पढ़िया है कि असी गुरबाणी करम गुरबाणी पढ़न दा करम इसलिए करना है, पातशाह सानू बार बार इसलिए कहंदे हन कि असी इकट्ठे होके बाणी
और नाम जपन लई सानू इस लई कहंदे हन तां जो आपां जिथे दूसरियां दी मैल लाउण तों बच जाइए भाव निंदा करन तों बच जाइए उथे साडे अंतशकरण ते जन्मा जन्मांतरां दे संस्कारां दी जो मैल लगी हुई है उस लगी हुई मैल नूं गुरबाणी ते नाम जप के नाम जप द्वारा धो के अपने हिरदे नूं पवित्र करके मालक प्रभु दा वसल असीं प्राप्त कर सकीए। अज इदां ही पढ़ांगे, इस तो उपरंत अगले सैशन दे विच इस चैप्टर नूं कॉन्टीन्यू करांगे जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, लोकां दियां पग्गां पर खालसे दा दस्तारा है, लोकां दियां दाड़ियां ते खालसे दा दाड़ा है। लोकां दे भांडे ते खालसे दा देगा है, लोकां दियां तलवारां ते खालसे दा देगा है। लोकां दी सब्जी ते खालसे दा भाजा है, लोकां दियां रोटियां ते खालसे दा प्रशादा है। लोकां दियां बोलियां ते खालसे दा बोला है, लोकां दियां होलियां ते खालसे दा होला है। समूह संगत नूं बहादुर दलेर शेरां दी कौम दे जुझारू हस्ती दे मालक समूह खंडा ब्रह्मंडा दे पालक वाहिगुरु जी दे खालसे दे होले महल्ले दियां लख लख बधाइयां जी। संगत जी, श्री आनंदपुर साहब जी दी धरती ने संसार नूं बहुत कुछ दिता। श्री आनंदपुर साहब दी धरती ते तो बड़े बड़े राजनीतिक फैसले होए। श्री आनंदपुर साहब दी धरती ने गरीबां मजलूमां दी बांह फड़ी। श्री आनंदपुर साहब दी धरती ने सानू आजादी नाल जीवन दी जाच दसी। जेड़ी मर्यादा करतारपुर साहब तो आरंभ हुई, दसवें पातशाह ने आनंदपुर साहब संपूर्ण कर दिती। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने राजा देव चंद की राणी चंपा कोलों कुछ पिंडां दी जमीन खरीद के सन 1665 ईस्वी नूं चक नानकी भाव श्री आनंदपुर दी स्थापना कीती। इस तरह एक नवां नगर चक नानकी स्थापित करके श्री गुरु तेग बहादुर जी परिवार समेत उत्थे रहन लग पे। इस स्थान नूं पहला माखोवाल कहिंदे सन, क्योंकि इत्थे माखू नाम दा दैंत किसे नूं वसण नहीं सी दिंदा। पर जदों श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दे इत्थे चरण पाए तां इह स्थान धर्म दा गढ़ भाव आनंदपुर साहिब बन गया। जब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पहली बार पटना साहिब तों चक नानकी भाव आनंदपुर साहिब दी धरती ते आए तां आप जी ने संगतां नाल आनंद साहिब दीआं पंज पौड़ियां दा पाठ कीता। तां श्री गुरु तेग बहादुर जी ने फरमाया कि अज तों इस स्थान दा नाम आनंदपुर साहिब होया। होली कीनी संत सेव रंग लागा अत लाल देव। खालसे दी जन्म भूमि श्री आनंदपुर साहिब जी दी पावन पवित्र धरती ते खालसा जालो जहलाल नाल हर साल होला महला मनाया जाता है। होली तो होला महला मनाउण दी शुरुआत साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने कीती सी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने समय दे हालातां नूं वेखदिआं आम लोकां दी मानसिकता ते ताकत नूं बलवान करन दे मनोरथ नाल होली तो होला महला दी शुरुआत कीती। औरन की होली मम होला कहियो कृपा निद बचन अमोला। औरन की होली मम होला करियो कृपा निद बचन अमोला। संगत जी, ओ समां जंगां ते युद्धां दा होण करके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखां अंदर नरोए अते सेहतमंद शरीर दी लालसा पैदा करन लई श्री आनंदपुर साहिब दी धरती ते खालसाई खेडां दी शुरुआत कीती। होले दा शब्दी अर्थ है हल्ला बोलना अते महल्ले दा शब्दी अर्थ है जिस मैदान नूं फतेह कीता गया होवे। भाई कान सिंह नाभा लिखदे हन कि महल्ला एक प्रकार दी लड़ाई है जिस विच पैदल घोड़सवार अते शस्त्रधारी सिख दोहां पासियां तों एक खास हमले वाली थां ते हमला करदे हन। गुरु साहब जी दोहां दलां नूं लड़ींदी शस्त्र विद्या भी दिंदे सन। आप गुरु साहब जी तखत ते बैठ के इस बनौटी लड़ाई नूं देखदे सन। इस विच जिहड़ा दल जित जांदा तां गुरु साहब उस दा खूब सन्मान करदे। इस तरह ते जिहड़ा ग्रुप सफल नहीं हुंदा सी, गुरु साहब जी उहनूं होर सिख्यावां दिंदे ते समझाउंदे
कि आने वाले समय में तुसी किस तरह सफल होना है। होला महला का संबंध शस्त्र विद्या के अभ्यास नाल है। महल्ले का आरंभ चेत बदी एकम, होले महल्ले का आरंभ चेत बदी एकम सन 1700 ईस्वी में श्री आनंदपुर साहब की धरती से होलगढ़ के स्थान पर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने किया। होली अते होला महला विच दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। होली वख वख थावां ते कई प्रकार दे रंगां नाल खेडी जांदी है। उत्थे ही होला महला शस्त्र विद्या घोड़सवारी अते गतके दे जौहर दिखा के मनाया जांदा है। होला महला फौजी सिखलाई दा भी प्रतीक है, जिथों संत सिपाही दी गिणती पैदा हुंदी है। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब दी धरती ते पौंटा साहब विखे हर साल होला महला बड़ी शानो शौकत नाल मनाया जाता है। अज दे हालातां नूं देखदे होए पंथ दे विद्वान भाई कान सिंह नाभा लिखदे ने कि दुख है कि हुण सिखां ने शस्त्र विद्या नूं अपनी कौमी विद्या नहीं समझिया, सिर्फ फौजियां दा करतव मन लिया है। जदों कि दशमेश पिता जी दा उपदेश है कि हर एक सिख पूरा संत सिपाही होवे ते शस्त्र विद्या दा अभ्यास करे, इस तों बिना सिख अधूरा है। संगत जी, इस तो अगे मैं तुहानू एक साखी होले महले संबंध भी सुना रही हूँ। संगत जी, सियाल दी रुत लंघ गई ते फगन दा महीना आ गया। सतगुरु जी ने खजानची नूं हुक्म दे दिता कि होलियां दी तैयारी करो अते हर प्रकार दा लाल गुलाल आदिक रंग मंगवा लवो। जद इस गल दा सिख संगत नूं पता लगा तां उह वी उत्साह पूर्वक होला मनाउण दे खेडण वास्ते होला मनाउण ते खेडण वास्ते हजारां दी गिनती विच इकट्ठे हो गए। खजानची ने होली दा सब समान आप जी दे हुक्म अनुसार इकट्ठा कर दिता। होले वाले दिन गुरु जी ने पहला दीवान लगवाया, जिस विच रागियां ने कीर्तन कीता अते सब संगतां दीवान विच होले खेडण दे चाह विच इकट्ठियां हो गईयां। दीवान दी समाप्ति उपरंत सतगुरु जी ने होली खेडण दा आरंभ अपने हथ नाल करके फिर संगतां नूं हुक्म कीता। सिख एक दूजे उत्ते सुके रंग दियां मुठां भर भर के अते पानी विच घोले होए रंग दियां पिचकारियां नाल बड़े उत्साह नाल एक दूजे नूं रंगण लगे। यह नज़ारा वेखण वाले नूं इउं जापण लगा जिवें किसे वड्डे जंग दी लड़ाई हो रही होवे ते योधे फटड़ हो के खून नाल लथ पथ बैरी उत्ते शस्त्रां दे वार कर रहे हों। कई सिख प्रेम नाल गुरु जी उत्ते भी रंग सुटदे, जिस नाल आप जी दे चिट्टे वस्त्र अते मूंह सिर सारा रंग नाल लालो लाल हो गया। भाई नंद लाल जी नूं गुरु जी ने नेड़े वेख के गुलाल दी पिचकारी भर के मारी। भाई जी ने आप जी दे पवित्र हत्थां नाल अपने उपर रंग पिया देख के धन भाग समझे अते इस प्रसन्नता विच एक गजल बना के गुरु जी अते सिखां नूं सुनाई। गले होल बवागे बहारी बिशराफत लबे चू गुंचर रा फरखुंदे कर गुलाबो अंबीरो गुलाबो अंबीरो मुश्को अंबीरो चू बारा बारिश आय सू बसू कर गुलाल अफशानिये दस्ते मुबारक जमीनो आसमां दा सुरथरू करद जूए सॉरी यह पिचकारिये तुर या अफरानी के हर बेरंगरा खुश रंग रू करद द्वालम गश्त रंगी अज तुफैलश चो साहेम जामे रंगी दर गलू कर। कसे को दीदे दीदारे मुकतशल मुरादे उमर रा हासल निको कर शब्द कुर्बान खाके साध संत संगत दिले गोया हमीरा आरजू कर। संगत जी, इसका भाव अर्थ है कि होली का फुल इस दुनिया विच खिड़ पिया है, बुल्लां नूं कली वांग मुबारक सुभाव वाला कर दिता है, भाव हरेक दे बुल मुस्करा रहे हन। गुलाब अंबर कस्तूरी ते अंबीर मीह वांगू चारे पास्यों बरखा कर रहे हन। गुरु जी दे मुबारक हत्थां नाल रंग उड के जमीन ते आसमान नूं लाल रंगा कर रहा है। केसरी रंग नाल भरी पिचकारी बाहवा है जो गुरु जी दे हत्थां विच है अते जिसने बेरंग नूं खुश चेहरे वाला बना दिता है। गुरु जी दे कारण अज दोहां जहानां नूं रंग लग गया है। जदों कि गुरु पातशाह जी ने रंगां नाल भरिया कपड़ा गल पहनिया होया है, जिस किसे ने यह पवित्र दीदार कीता है उसने अपनी उम्र भर की मुराद पा ली है।
मैं साध संगत दे चरणा दी धूड़ तो सदके जा रहा हाँ। गोया गोया नंद लाल जी ने अपने आप नूं कहा गोया गोया दा दिल इस समय नूं तरस रहा है। संगत जी भाई जी पासों ये समय की गजल सुन के गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए और भाई नंद लाल जी का नाम दीवान गोया रखिया। होले की समाप्ति उपरंत गुरु जी संगत सहित वापस दमदमा साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी के स्थान पर आ गए। संगत जी सतगुरु जी संगत विच सिंघासन उत्ते बराजे ही सन कि इन्ने चिर नूं सुथरे शाह अपने शरीर उत्ते कलख मल के भयानक रूप धार के आ गया। श्री गुरु साहब जी अते संगत नूं वेख के चौगिरदे फिर के परिक्रमा करन लग पिया। गुरु जी सुथरे नूं इउं वेख के बड़े प्रसन्न होए अते पास सद के पुछया कि तू ये भेख क्यों किया है। उत्तर विच सुथरे ने हथ जोड़ के आख्या जी संगत आप जी सहित बड़ी सुंदर शोभ रही है, इस नूं किसे पहाड़िए दी बुरी नजर ना लग जावे। मैं इस करके अपना शरीर काला कीता है कि नजर लाउण वाले दा मूंह काला हो जावे। जिस तरह माता अपने बच्चे नूं शिंगार के उस दे मत्थे विच काला टिक्का ला दिंदी है कि इस नूं किसे दी नजर ना लग जावे। जिवें कोई बुरी नजर तो रखिया वास्ते अपना सुंदर मकान बना के उपर काली हांडी रख दिंदा है, तिवें मैं आप जी दी संगत नूं बुरी नजर तो बचाउण वास्ते अपना आप काला कीता है। जेड़ा भी आप जी दी संगत उपर बुरी नजर करेगा वो नजर संगतां नूं छड्ड के मेरे उत्ते लग जावेगी। सुथरे दी ये उक्ति जुक्ति सुन के गुरु जी ने फरमाया ये मेरी संगत दा राखा होया। संगत जी मैं इन साखी है सही संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਖੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਦੋ ਦੋ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਸ ਦੋ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ सुथरे दी उक्ति जुक्ति सुन के गुरु जी ने फरमाया ए मेरी संगत दा राखा होया है, इसने मन विच शुभ भावना धारी है। गुरु जी ने प्रसन्न होके सुथरे नूं मूंह मंगया दान दिता। इस होली नूं वेख के सारी संगत बड़ी प्रसन्नता नाल गुरु जी का जस करन लगी। संगत जी साखी सुनाउंदिया कोलो होईयां गलतियां नूं माफ कर देण सारी संगत नूं फिर एक बारी होले महल्ले दीआं लख लख वधाईआं। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਗਾ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਚ ਖੜਾ ਵੋਟਾਂ ਚ MP ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਚ ਖੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਖੜਿਆ MP ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਚ ਜਿੱਤ ਜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹਾਰਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਖੜਾ ਵੋਟਾਂ ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਰਦਾ ਹੀ ਨੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਨੀ ਕੋਈ ਹਾਰਦਾ, ਸਭ ਹੀ ਜਿੱਤਦੇ ਆ। ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਚ ਖੜੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਖੜਾ।
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਜਿੱਤੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਨੀ ਹਾਰਦਾ ਜਿੱਤੀ ਜਿੱਤ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਈ ਜਿੱਤੀ ਜਿੱਤ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਜਿੱਤ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਪੈ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜਿੱਤੀ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਵੀ ਦੋਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੋਨੇ ਜਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਚਨ ਕਰੇ ਆ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਜਿੱਤੋਂਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਿਚਾਰੇ ਘੁਸਰ ਘੁਸਰ ਕਰੀ ਜਾਣ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਊ ਕੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆਇਆ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੀ ਸੀਟ ਚੱਕ ਕੇ ਮਤਲਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਰਤੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੋ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿੱਤੋਂਗੇ ਇੱਕ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਤਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਲਿਆਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਉਹ ਇਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਖੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲੀ ਕਰਤੀ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਤਾ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਉੱਥੇ ਕਰਤੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਤੀ ਜਿੱਤ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਾਖੀ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਾਖੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਨੇਮ ਕਰੇਗਾ ਨੇਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋਊ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਕਰਨਾ ਨੇਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨੇਮ ਕਰਿਆ ਵੀ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇਰੀ ਨੇਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰ ਦੁਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਸੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨੇਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਵੀ ਨੇਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੇਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਨੇਮ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਨੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀਗੀ ਦੇਤੀ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗ ਕੋਲੇ ਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅੱਗ ਕੋਲੇ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਆ ਵੀ ਅੱਗ ਚ ਨੀ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕਦੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਚ ਹੱਥ ਨੀ ਪਾਉਣਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇਰੀ ਮਨੋ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਸਾਖੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਲਾਸਟ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅਖੀਰਲੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਸਿਰਫ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੱਤ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚਾਰ ਕੁਰਿਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕੁਰਿਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿੰਦੇ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਖੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ ਯਾਦ ਦਵਾਉਂਦਾ ਸਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਲਗਭਗ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਅਗਰ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਮਾਈਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਨਿੰਦਕ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਖੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਕਥਾ ਕਰਨ ਆਏ ਰੋਜ਼। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਕਮਾਲ ਕਮਾਲੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦ ਕਥਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ 5-10 ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਥਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਕਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੂੰ ਜਾਏਂਗਾ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਵੀ ਕਰੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬੁਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਕਥਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦਾ, ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦਾ, ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦਾ। ਜਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਗਤ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਲਿਆਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਲਤਿਆ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ 10 ਮਿੰਟ।
ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਸੰਸਕਾਰੀ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੌਣ ਹਨ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਇਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਤੜਪ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰਦੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਬੈਠਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰੀ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਘਰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨੀ ਬੋਲਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਛਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਥਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨੀ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਰੀ ਤੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਮਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨੀ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੂੰ ਸਮਝ ਜਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਜਦ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਈ? ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਮਾਲ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਧੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸੁਹਾਮਰਾ ਮੀਤ ਜੋ ਕਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਵਿਸ਼ ਵੀ ਇੱਛਾ ਉਚਾਰਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋਗੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਕ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਰੀ ਰਹਾਉ। ਨਿੰਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਈਐ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਮਨੈ ਵਸਾਈਐ। ਹਿਰਦੈ ਸੁਧ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਹਮਰੇ ਕਪਰੇ ਨਿੰਦਕ ਧੋਏ। ਨਿੰਦਾ ਕਰੈ ਸੋ ਹਮਰਾ ਮੀਤ, ਨਿੰਦਕ ਮਾਹੇ ਹਮਾਰਾ ਚੀਤ। ਨਿੰਦਕ ਸੋ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰੈ, ਹਮਰਾ ਜੀਵਨ ਨਿੰਦਕ ਲੋ ਰੈ। ਨਿੰਦਾ ਹਮਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਨਿੰਦਾ ਹਮਰਾ ਕਰੈ ਉਧਾਰ। ਜਨ ਕਬੀਰ ਕੋ ਨਿੰਦਾ ਸਾਰ, ਨਿੰਦਕ ਡੂਬਾ ਹਮ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਕੀ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਹਰਿਦੇਸ਼ੁ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ
तुक मिस कर करती हूं। निंदा होए ता बैकुंठ जाइए, नाम पदार्थ मने बसाइए, हृदय शुद्ध जो निंदा हुए, हमरे कपरे निंदक तोए। हाँ, बस इधर पॉज लेना एक मिनट। हृदय शुद्ध जो निंदा हुए, हमरे कपरे निंदक तोए। ते संजय जी, मेरा इधर एक छोटा सा प्रश्न है। अरे पहले तो कोई डाउट नहीं है कि हाँ भी जो गुरु साहब कह रहे ने वो किवें पॉसिबल है, डाउट तो सानू है ही नहीं। बट मेरा इधर क्वेश्चन है कि हाँ भी किस तरह होंदा है, कि प्रोसेस है कि कोई किधर बैठा है, कोई किधर बैठ के निंदा कर रहा है, तो किस तरह हृदय शुद्ध हो रहा है। अगर किसी ने इस बारे पता है तो प्लीज वो दसन की कोशिश करे संगत नु कि भाई अगर एक्स बंदा किधर और बैठा है और वाई बंदा किधर और निंदा कर रहा है, किस तरह हृदय शुद्ध हो रहा है और किस तरह उसका पार उतारा हो रहा है निंदक सुन के या निंदक अगर कर रहे हैं। बिलकुल क्लियर उन्होंने लिखा है कि ए भगत जन जेड़े ने ना जो तुसी कह रहे हो कि जिन्हां दा हिरदा साफ है, जेड़े भगत जन ने ओ निंदक नूं अपने मतलब अपने नेड़े रखना चाहते ने कि वो साढ़े माता पिता के बराबर है, उसनु मित्र भी दस्या है, पर उस तो पहले गुरु साहिबा ने सानू निंदा करन तो बिल्कुल पूरी तरह रोकया है, उसनु भी किसी की निंदा नहीं करनी। पर भगत जन जड़े ने वो कहते ने कि निंदक जड़े ने वो साड़ी निंदा करनगे, भगतां दी निंदा करनगे ते उन्हां दे वो पाप धुलदे ही जाणगे। मतलब इस चैप्टर दे विच जो अज असीं पढ़िया वो कह रहे ने संस्कार मन च भी फुरना आंदा पाप और पुन बनते हैं, जो जबान नाल कह रहे पाप पुन बनने ना, किथे भी बैठ के किथे किसी दे थर्ड परसन किसी तीसरी जगह बैठ दे भी कर रहे हो तो तुहाडे अंदर जो तुसी बोल रहे हो वो तुहाडे संस्कार बन रहे ने, अगर फुरना भी बन सोच भी रहे हो तो वो भी संस्कार बन रहे ने। चलो मैं आगे चलना, जिन्हें असीं देखते हैं राजनीति अगर असीं बादलों की गल करिए पंजाब की गल जो उन्होंने किया सब पता है, निंदा है और एक्चुअली निंदा होंदी वाहेगुरु जी का खालसा। गल्ला कंफ्यूज नहीं हो रहे जिदे जिदे उदे शब्द है गया कि रिद्दे सुद्ध जिदा हिरदा साफ है उदी निंदा होए, पर निंदा तो सभी होंदी है, निंदा तो हर बंदे दी होंदी है भाई, मतलब नहीं पर जिदा हिरदा सुद्ध है जैसा कबीर जी दा हिरदा सुद्ध सी ते उना दे अगर निंदा कोई कर रहा है ते उना दे पाप तोड़ रहे हैं। जे बादलां दा इदा ही शुद्ध नहीं है ते उना बारे जो मर्जी कह लो। मतलब आप जी कह रहे हो जी आवाज आ रही है मेरी? हां जी आ रही है। आज है खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक्चुअली है पेन जी ठीक कह रहे ने ते मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करदा कि जेड़े भगत जन ने मतलब कि जिन्ना दा इस तरह जेड़े जोत नाल जोत रल चुके ने परमात्मा नाल एक हो चुके ने जेड़े हर जन ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਬਾਦਲ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨੀ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੀ ਧੁਲਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਧੁਲਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਹੀ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੀ ਧੁਲਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਬੁਰਾ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੁਰਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਿੰਦਾ ਹੈ ਬੁਰਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕੀਏ ਔਰ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਭਲਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਹੈ ਔਰ ਭਲੇ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀਏ ਨਿੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ अपने आप क्लैरिटी आएगी हिंदू धर्म विच भी ना निंदा करन निंदा जेड़ा करदा है ना उसकी सजा पता की कही हुई है हत्या दी हत्या दी जेड़ी सजा हुंदी है ना निंदा करन वाले दी ओ सजा दसी गई है मैं इस तरह मैं पढ़िया सी ऐसा किसी दी पोस्ट आई सी ऐसा एक मतलब स्टोरी सी मतलब गलती नाल है ना एक दूध वाले दे जेड़ा डोल हुंदा है ना दूध भरिया हुंदा है उस विच एक सप पै जांदा मरिया होया ते ओ किसे नू जिस तरह वंडन जांदा सी देंदा देन जांदा सी ते ओ दे देंदा वे ते ओनू पता नहीं चलदा सब क्योंकि थल्ले दी साइड थल्ले बैठ जांदा वे उपर उपर दूध दे देंदा वे ते ओ जिन्ना जिन्ना भी दूध पी ते ओ बाद च ओनू पता चलदा की है ते अरे ओ जदों खाली हुंदा ओदा डोल ते ओ देखदा की है ते सप मरिया पिया वे ते ओनू बड़ा पछतावा हुंदा वे ते ओ जदों मरदा है ते उपर जांदा है ना ते ओ धर्मराज ओदा ओ लेखा देखदे ने कहंदे ने एदी वजह नाल ते किन्ने सारे लोग मर गए तेन सजा केड़ी दिती जावे ते लेकिन जदो सारा वो देखते ने कि वो किस तरह सप आया उथे लेकिन गलती तो इसकी है नहीं सी ते इनू सजा की दिती जाए लेकिन मरे ते किन्ने सारे लोग ने ते वो फिर कहंदे ने कि लेकिन गुनाह ते होया वे इन्ने सारे लोग मरे ने बेगुनाह लोग ते ए सजा की दईए समझ नहीं आई ओ मतलब सारे देवी देवत्या विच इस तरह हो गया कि इनू केड़ी सजा दईए केड़ी सजा दईए ते उन्होंने ना बाद च फिर ब्रह्मा जी कोल जांदे ने ते कहंदे ने ब्रह्मा जी कहंदे ने कि ए जड़ा दोष ते किसे दा भी नहीं हैगा वे इन्ने सारे लोग मरे ने लेकिन ए जड़ी जड़ा गुनाह होया वे इस गुनाह दा जड़ा हैगा वे ओ पूरा दोष उस दे सिर ते मथे मतलब मड़िया जाना चाहिए है जिसने निंदा की है निंदक दे सिर ते मर दे इन्नी सारी हत्यावां दा दोष निंदा की जाना चाहिए वीर जी जो अभी प्रीति जी ने बोला कि निंदा के लिए बहुत कम डिफरेंस है ये हमारे जो भाई गुरप्रीत सिंह जी है उन्होंने बहुत सारे टॉपिक निंदा पे लिए थे तो जैसे वो कह रहे कि रिसर्च उसमें तो मैं डिस्कस कर मतलब बता सकती हूँ मैं थोड़ी साखियां उनकी भेज भी दूंगी तो उन्होंने कहा कि बहुत कम डिफरेंस होता है पर निंदक का मतलब जो अगर किसी ने गलती करी है और उसकी कोई बात बोलता है तो वो निंदा नहीं है वो कह रहे हैं निंदा वो है जो किसी ने नहीं करी और फिर भी उसका बोल रहा है तो इसके बीच में बड़ा कम डिफरेंस है पर जो अब कई लोग ऐसे एक उन्होंने साखी सुनाई थी कि एक लेडी ने किसी का पैसा ले लिया तो जब उसने साखी वीर जी की सुनी कि भी जो निंदा कोई करता है तो उसकी मेरे पाप कट जाएंगे तो वो कहने लगी सारे उसको बोलने लगे मेरे पैसे वापस कर पैसे कर कह रहे नहीं तुम जितनी मेरी निंदा करनी है करो क्योंकि जितनी तुम निंदा करोगे मेरे पाप कट जाएंगे तो वो कह रहे ये तो गलत है तूने तो गलती करी है ना फिर तेरी निंदा थोड़ा कर रहे हैं तूने लोगों के पैसे लिए हैं तो इसमें निंदा और उसमें बहुत कम बहुत डिफरेंस वो है कि जिसने कुछ नहीं करा और उसकी बात कर रहे हैं हम वो निंदा है जो गलती करता है और उसकी हम बात कर रहे हैं वो तो फिर निंदा नहीं है ना वो तो हमने गलत को गलत ही कह रहे हैं ना ये उन्होंने बताया है उसमें तो उनके उन्होंने काफी सारे पॉइंट है उनकी काफी सारी साखियां हैं जो निंदा पे है तो अगर आप बोलोगे तो मैं शेयर कर दूंगी कि जिससे इसका डिफरेंस जो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए कि वो क्या कहना चाहते आप सारे ठीक बोल रहे हो और
गुरबाणी गुरु साहब कहते हैं भी निंदा भले किसे की ना आए, अब किसे की ना आए भी सारे ही आ गए। नहीं नहीं देखो अगर इसको ब्रॉड अगर सोचें, इसको अगर ब्रॉड सोचें तो निंदा भली की ना आई, अगर वहां पर किसे की मतलब किसे की भी नहीं, बुरे की भी नहीं भले की भी नहीं, नहीं वो ठीक है पर वो कहते हैं कि मानी उसकी जाती है, मतलब जैसे पाप उसके कटते हैं जिसने कुछ नहीं करा और उसकी निंदा हो रही है, पाप उसके कटेंगे जिसने नहीं करा और उसकी निंदा हो रही है, और जिसने कोई गलती करी है और उसके बारे में अगर हम गलत बोल रहे हैं तो वो निंदा नहीं है ना, वो निंदा है। well, राजा अज की जड़ी स्टोरी है वो ए जो लिद दान करता है तो निंदा करवा के सारी खत्म होती है। अच्छा। कबीर जी ने जानबूझ के निंदा कराई थी कि मैं निंदा करवाऊंगा तो मेरे पाप कटेंगे, उन्होंने कई बार ऐसी चाहिए कबीर जी की कि उन्होंने जानबूझ के करवाई कि सब मेरे भगत जन मेरे से वो करे और मेरे वो कट जाए और मतलब मेरे को भक्ति का टाइम मिले, कि सब मेरे पास आगे घेरा लगा के खड़े रहते हैं, मेरा भक्ति का टाइम नहीं मिलता मुझे, तो वो कहते थे कि जितने मेरे निंदक होंगे तो मेरे को भक्ति का टाइम मिलेगा, मैं नहीं तो मेरे आसपास सारे खड़े रहेंगे तो मेरे को भक्ति का टाइम नहीं मिलेगा, तो उन्होंने जानबूझ के कई बार निंदा करवाई अपनी, तो कई मैंने साखियां सुनी है उन्होंने बोला कि उन्होंने जानबूझ के कई बार निंदा करवाई कि वो कि सब मेरे भगत जो मेरे हैं कम हो जाए, नहीं तो सब भगत जन मेरे खड़े रहते हैं और मेरे को भक्ति का टाइम नहीं मिल पाता। ठीक ठीक और किसी ने कुछ अगर कोई शेयरिंग करनी है तो कर सकते हैं प्लीज। चलो जी ये बहुत ही बारीक विषय है और हम सारे ही ठीक हैं, आप सारे ठीक हो मतलब, और भी डिसीजन ये निकलता है कि हाँ भाई अभी कुछ कुछ और इस पे लाइट और पड़नी चाहिए ताकि एग्जैक्टली पता लग जाए कि निंदा है एक्चुअली है क्या। तो अगर कोई अगे अगर इन्हों कुछ शेयर कर पाए अगर ऐसे रिसर्च कर पाए तो बहुत बढ़िया होएगा। तो रविंद्रजीत कौर जी आप जी प्लीज शस्त्र नाम वाला पढ़ लो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। श्लोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरदेव सखा ज्ञान भंजन गुरदेव बंद पसोदरा गुरदेव दाता हर नाम उपदेश गुरदेव मंत निरोधरा गुरदेव सां सत बुद्ध मूरत गुरदेव पारस परस्परा गुरदेव तीरथ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मजन परंपरा गुरदेव तीरथ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मजन परंपरा गुरदेव करता सब पाप हरता गुरदेव पतित पवित करा गुरदेव आदि जुगाद जुग जुग गुरदेव मंत हर जापुद्रा गुरदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम उड़ पापी जित लग तरा गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरदेव नानक हर नमस्करा गुरदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम उड़ पापी जित लग तरा गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरदेव नानक हर नमस्करा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तन तन श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज। शस्त्र नाम माला एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। अथ श्री शस्त्र नाम माला पुराण लिखे ते श्री भगवती जी सहाय पातशाही दसवीं दोहरा सांग सरोही सैफ अस तीर तपक तलवार सतरंत कब चांत कर करिए रक्ष हमार अस किरपान तारा तरी सैल सूप जमदार कब चांतक सतरंत कर तेग तीर तरवाड़ अस किरपान खंडो खड़ग ते तुपक तवर अर तीर अस किरपान खंडो खड़ग तुपक तवर अर तीर सैफ सरोही सहथी जहे हमारे पीर तीर तुही सहथी तुही तुही तवर तलवार नाम तिहारो जो जपै पए सिंध पव पार काल तुही काली तुही तुही तेग अर तीर तुही निशानी जीत की आज तुही जगवीर तुही सूल सहथी तवर तू निखंग अरबान
तुम ही कटारी सेल सब तुम ही कर्द किरपान शस्त्र अस्त्र तुम ही सिपर तुम ही कवच निखांग कवचांतक तुम ही बने तुम व्यापक सर्वांग श्री तू सब कारण तू ही तू विद्या को सार तुम सब को पराज ही तुम ही लेहो उवार तुम ही दिन रजनी तुही तुम ही जियन उपाय कौतक हेरन के नमित तिन मोह बाद बढ़ाए अस किरपान खंडो खड़ग सैफ तेग तरवार रच करो हमरी सदा कब चंतक करवार तुही कटारी दाड़ जम तू बिछुओ अरबान तो पत पद जे लीजिए रच दास मोह जान बांक बजर बिछुओ तुही तवर तरवार तुही कटारी सहथी करिए रच हमार तुम्ही गुर्ज तुम ही गदा तुम ही तीर तुफांग दास जान मोरी सदा रक्षा करो सर्वांग छुरी कलम रिप करद पन खंजर भुगदा नाए अर्ध रिजक सब जगत को मोह तुम लेहो बचाए प्रथम पावो जगत तुम ही पंथ बनाए आप तुही चगरा करो तुम ही करो सहाय मच्छ कच्छ बरा तुम बावन अवतार नार सिंह बौदा तुही जगत को सार तुही राम श्री कृष्ण तुम तुही विष्णु को रूप तुही प्रजा सब जगत की तुही आप ही पूप तुही विपर छतरी तुही रंक अर राव श्याम दाम अर दंड तुम ही पेद उपाओ शीस तुही काया तुही तै प्राणी के प्राण तै विद्या जग भक्तर होए करे वेद बख्यान बसिख बान तन खागर पन सार कै बरजे नाम तीरख तंग तता रचे सदा करो मम काम तैनी राले शतर अर मिर्गंतक ससबान तुम बैरन प्रथमे हनो बहुरो बजय किरपान तुम पाट सुपासी परस परम सिंध की खान ते जाके राजा पे दी तब जे बरदान शीस शतर अर्यास खंडो खड़ग किरपान शगर सुरेसर तुम कियो भगत आपनो जान जम तर जम दाड़ा जबर जोदन तक जे नाए लूट कूट ली जत तिने जे बिन बांधे जाए बांक बजर विशोभ सिख बिरह बान सब रूप जिनको तुम कृपा करी पे जगत के पूप शस्त्र शेर सम्रांत कर सिपरार शमशेर मुक्त जाल जम के पे जिमे कहो एक बेर सैफ सरोही शतर यार सारंगार जे नाम सदा हमारे चित बसो सदा करो मम काम सैफ सरोही शतर यार सारंगार जे नाम सदा हमारे चित बसो सदा करो मम काम इत श्री नाम माला पुराणे श्री भगवती उस्थत प्रथम त्याय समाप्तम सत शुभम सत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबैयो पाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सब है तुम घावो आप हाथ दे मोहे बचावो सुखी बसे मोरो परिवारा सेवक सिख सब है करतारा मोर अच्छा निज करते करिए सब बैरन को आज संगरिए पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना द्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निवरिए
हुजो सदा हमारे बच्चा श्री अस दुजो करियो रचा राख लियो मोय राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंधु दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बपुदर्रा काल पाए शिव जू अवतर्रा काल पाए कर विषण प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जमन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताही हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आद्य अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिव कन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते गुण चर अस्तूला सब पर कृपा दृष्ट कर पूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधुन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उदकरक करा कर तारा प्रजा दर्त तब देह अपारा जब आकरक करत हों कब हूँ तुम में मिलत दे दर सब हूँ जेते बदन से सब तारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद बेदर आलम निरंकार निर्विकार निर्लम आद अनिल अनाद संभ ताका मूढ़ उचारत वेदा जाको बेव न पावत वेदा ताको कृपाहन अनुमानत महा मूढ़ कुछ वेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चिन्हत न भी आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत बिन बिन तो ही तेती तुमरा लखा न जाए पसारा के विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कई भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत्बुज खान बहुर रज दीनी कहूं फूल राजा है बेटा कहूं सिमट भयो शंकर कहता सगरी शिष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप से अम्भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रन गाता जे असी दुजता सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित है मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को इक बार दे हैं ताके काल निकटनी है रक्षा होए ताही सब काला दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला कृपा दिसन जाहे न रहो ताके ताप तनिक मोहर हो रिद्ध सिद्ध गर्मो सब होई दुष्ट जाच है सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल पास ते ताही उबारा जिन्नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख तेरा खड़ग केत में सरन तिहारी आप हाथ दे लेहो उबारी सर्व ठोर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता प्रंत करा पूरन सुबराता किलबिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छय करता श्री असदुज जब भय दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन बाचत बल पावे सोई दुख न तिसे व्यापत कोई अड़िल सुने गुंग जो याय सुरसना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द बे निकट ने तिन नर के रहे हो जो या की एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सतरह सैस बनी जय अरद सैस कुन तीन कही जय भाद्र भाद्रव सुधी अष्टमी रववारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण पुराण अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोहे बखान्यो दोहे राम सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाहें कहे की लाज अस गोविंद दास तुहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सोहिला साहिब राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरत आखिए करते का होए बिचारो तिकर गावो सोहिला सिवरो सृजनहारो तुम गावो मेरे निर्भव का सोहिला हवारी जित सोहिले सदा सुख रहाओ
नित जड़े समालियन देखेगा देवन हार तेरे दाना कीमत ना पवै तिस दाते कवन समार संभल सहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सजड़ा सी सड़िया जो हो साहेब सो मेल कर करे हो पाहुचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिए नानक से दया मन राग समला पहला छह घर छह गुर छह उपदेश गुर गुर एक वेसनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राग बढ़ाई तो रहा विस्यो जसिया कड़िया पैरा थित्ती बारी माँ हुआ सूरज को रुतनेक नानक करते के ते वेस राग तना श्री मल्ला पहला गगन मैथाल रव चंदी पर बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल्यान लो पवन चवरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनता सबद वाजंत पेरी रहाओ सहस तम नैन 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 है तोय को सहस मूरत ननायक तो ही सहस पद मिमल नन एक पद गंध बिन सहस तब गंधे वचलत मोही सब में ज्योत ज्योत है सोय तिजे चानन सब में चानन होए गुर साक्षी ज्योत प्रगट होए ज्योत इस पावे सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अंधिनो मोया मोह आए प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को जाए ते तेरे नाय बसरा गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम करोद नगर बो परिया मिल साधु खंडल खंडा है पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हल मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वडा है कंडन डोत पुन वडाए रहाओ साकत हर साधना जाण्या तिन अंतर हो मैं कंडा है जो जो चले चुबे दुख पावे जमकार सहर से डंडा है हर जन हर हर नाम समाने धूप जन्म मरण पौ खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ बड़ा है जन नानक नाम आधार टेके हर नामे सुख मंडा है राग गौड़ी पूर्वी मल्ला पंजवा करो बिनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला ईहा खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला औद कट दिन सरणा रे मन गुर मिल काज सवार रहा यो संसार विकार संसे में तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावे रस अखत कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाजो हर गुरते मने बसेरा निज घर मैल पवो सुख सहजे बहर नोए गो फेरा अंतर जामी पुरख बिदाते सरदा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे अंतर जामी पुरख विदाते सरदा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे तनासरी मल्ल पंजो औखी कड़ी न देखण दी अपना ब्रज संभाले हाथ दे राखे अपने को सांस सांस प्रतपाले प्रभ से लाग रहे हो मेरा चीत आदन प्रभ सदा सहाय तन हमारा मीत रहाओ मन बिलास पए साहेब के अचर देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद करना न प्रपूरन पैज रखाई सलो सहस्कृति मल्ल पंजो सिरमस्तव रख्या पार ब्रह्म हस्तकाया रख्या परमेश्वर है आत्म रख्या गोपाल स्वामी तन चरण रख्या जगदीश्वर है सर्व रख्या गुरदयाले पै दूख विनाश नहे भगत वचल नाथ नाथे शरण नानक पुरख अचुते है कोर दुखियन अनेक हत्यन जरब जन्म दारिंद्र महाभिख्यान मिटंत सगल सिमरंत हर नानक हर नाम हर नाम नानक जैसे पावक आसत पस्मम करोत सौरठ मल्ला पंजवा गुरु का सबद रखवारे चौगिर्द चौकी चौगिर्द हमारे राम नाम मल्ला गा जन लजाए कर पागा प्रभ जी तू मेरो सुखदाता बंधन काट करे मन निर्मल पूरन पुरख विदाता रहाओ नानक प्रभ ना सीता की सेव न बिरथी जासी
आनंद करे तेरे दासा जब पूरन होई आसा। बिलावल मल्ला पंजवा ताती भावना लग गई पार ब्रह्म शरणाई चौगिरदा मारे राम कार दुख लगे न पाई सदगुर पूरा पेटे आजन बनत बनाई राम नाम औखत दिया एका लिव लाई रहो राख लिए तिन रखन हार सब याद मिटाई कहो नानक कृपा पई प्रपय सहाई सलो जय साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत ना हो ना तू ना छुटे निकट न जाइए दूत श्लोक मल्ला पंजवा मन में चित वो चितवनी उदम करो उठ नीत हर कीर्तन का हरो हर देव नानक के मीत गौड़ी गुरारे मल्ला पंजवा जाके वस खान सुल्तान जाके वस है सगल जहां जाका गिया सब पिछो तिस्ते बार नाई कोई कहो बिनंती अपने सतगुर पाए का तुम्हारे दे निभाए रहो सबते ऊच जाका दरबार सगल भगत जाका नाम धार सर्व व्यापत पूरन तनी जाकी शोभा कटकट बनी जिस सिमरत दुख डेरा टहे जिस सिमरत सम जम किच ना कहे जिस सिमरत हो तो सुखे हरे जिस सिमरत डूबत पाहंत रहे संत सभा को सदा जयकार हर हर नाम जन प्राण धार कहो नानक मेरी सुनी अरदास संत प्रसाद मोको नाम निवास कहो नानक मेरी सुनी अरदास संत प्रसाद मोको नाम निवास वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह श्लोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा ज्ञान पंजन गुरुदेव बंधक सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत्र निरोधरा गुरुदेव शांत सद बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मजन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत्र जपुदरा गुरुदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम मूढ़ पापी जित लग धरा गुरुदेव सदगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा गुरुदेव सदगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा वाहेगुरु इस श्लोक आदम पढ़ना जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह अरदास करो अनिल तू ठाकुर तुम पैर दास जीव पिंड सब ते खास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते हो सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी अरदास ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वाह श्री भगवती जी की पाशाही दसवीं प्रथम भगवती समय कै गुरु नानक लई तिहाई बिरंग गुर ते अमरदास रामदास से होए सहाय अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण जी ध्याई है जो चिट्ठे सबदुर जाय तेग बहादुर संदेह करना उन्हें गावे ताए सब थाए होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाए होए सहाय दसा पातशाह दी जोर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दी धार दा ध्यान अंतर खास साहिब पुन्ना जी श्री वाहेगुरु हे निमाण्या दे मान ने ताणे दे तान नी ओटियां दे ओटने आसरियां दे आसरे सच्चे पिता श्री वाहेगुरु आप जी दी हजूरी विच बाणी पढ़दियां अनेकता ही भुला चुका हो गया माफ कर दो जी अगे तो स्पष्ट पाणी पढ़न सुन की दात बख्शनी सारी संगत नु अमृत वेले दे जागने नितने की दात बख्शनी वाहेगुरु जी अमृत वेला जरूर बख्शना वाहेगुरु अपने खुले दर्शन दीदारे बख्शने सारे प्रमाते मेरे पर हाथ रखना या खुशियां बरकरार रखनिया कष्टा नु दूर करना सबना दे कार सवाने कमाई अज बरकता पानी वाहेगुरु पैसे जो सब तरह करके मेहर करनी बच्चा नु बल बुद्धि विद्या दान बख्शना सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबदा भला
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। अखरवा दा काटा पूछो माफ करनी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। रविंद्रजीत कौर जी जेड़ा आपने वो सुनाया सी पहली कुछ पंक्तियां, लोका दी पग होंदी है साडा दस्तारा होंदा, एक बार दोबारा सुनाओगे जरा? हां जी वीर जी दिखा रहे। वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी। लोका दियां पगां पर खालसे दा दस्तारा है, लोकां दियां दाड़ियां ते खालसे दा दाड़ा है, लोकां दे भांडे ते खालसे दा देगा है, लोकां दियां तलवारां ते खालसे दा तेगा है, लोकां दी सब्जी ते खालसे दा भाजा है, लोकां दियां रोटियां ते खालसे दा प्रशादा है, लोकां दियां बोलियां ते खालसे दा बोला है, लोकां दियां होलियां ते खालसे दा होला है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। आप लिखिया या फिर किस तरह? नहीं नहीं वीर जी, मेरे को मेनू नहीं कुछ भी आंदा, मैं तो चोरी कर दी है, इधर उधर ही चख लेनी जी। जी जी बहुत शुक्रिया। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की सारी संगत।